अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम जुम्मे की नमाज़ पे जा रहे हैं और हम जा रहे हैं ट्रेन के ज़रिए, ठीक है। चूँकि मेरी, जिस तरह मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि मेरा एक महीने के लिए जो फिरोशाइन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो पुलिस ने ले लिया है। चूँकि एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरी गलती भी कुछ निकली है। उन्होंने कहा है जी, एक महीना आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो एक महीने के बाद मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। मैंने आज उनको दे दिया है जाके, और एक महीने बाद फिर मैं गाड़ी दोबारा चला सकूँगा, ठीक है। मैंने सुबह की वीडियो में, आज जो सुबह मैंने अपलोड की थी, आप जाके देख सकते हैं, उसमें आपको मैंने बताया था कि क्या गलती हुई, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए और किस तरह आप इससे बच सकते हैं। तो मज़ीद मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। ये पीछे दानियल मेरा छोटा बेटा है, साथ समर है बड़ा बेटा, और तीसरा दानिश जो है वो नहीं आया, क्योंकि वो कहता था कि मैंने, वो सोया हुआ था रात को, लेट था, अभी तक उठा नहीं था, लेकिन हम जुमे से लेट हो रहे थे तो हम जुमे पे जा रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको दिखानी है कि हमने जर्मनी में, चूँकि 9 यूरो की टिकट लेके आप पूरा महीना उस पर सफ़र कर सकते हैं पूरी जर्मनी में, तो टिकट भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, किधर गई, ये 9 यूरो लिखा हुआ है, ठीक है। ये 9 यूरो की टिकट है जनाब, आज अभी हमने खरीदी है। नीचे लिखा हुआ सर कोई टाइम, ये कितना अगस्त तक, ये गुलटिश है ना, ये 12:35 पे अभी हमने ली है, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर बैठ के जो है ट्रेन पे जाएंगे। थोड़ी सी बाहर की भी आपको सैर करवाते हैं। ये ट्रेन स्टेशन है, ये देखें, ये इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि ये ट्रेन इतने बजे आ रही है, ठीक है। ये सारी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इसके ऊपर, और सामने छोटा सा वो स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पे लोग कुछ खड़े भी हुए हैं, ठीक है। ये दानियल साहब हैं, दानियल साहब भी इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी कह रहे थे मैंने ट्रेन पर जाना है। तो ये ट्रेन की पटरी है, साथ ही सड़क है, ठीक है, और साथ ही बान ऑफ है, कुछ घर भी साथ हैं, ठीक है। तो आज हम जो है ट्रेन जो है जा रहे हैं जुमा पढ़ने ट्रेन के ऊपर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। रीज़न मैंने आपको बता दी है। तो बाकी आसमान बड़ा अच्छा है, ब्यूटीफुल वेदर। तो बाकी यह है कि जनाब अली, मैं आपको बताऊं कि सुबह की वीडियो पे मैंने जैसे कहा कि बता दिया है कि नेवर मिस्टेक प्लीज़, ठीक है। एनीवे, तो आज मुझे अच्छा भी लग रहा है। यकीन करें, मैं कम से कम पाँच साल हो गए मुझे गाड़ियों पे सफ़र करते हुए। आफ्टर 5 ईयर्स आई एम ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स। 5 साल बाद मैं एक ट्रेन के ऊपर सफ़र करने लगा हूँ, ठीक है। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह ट्रेन के अंदर की भी आपको सैर करवाएंगे, जुमे पे जा रहे हैं, मस्जिद की भी सैर करवाएंगे आपको इंशाल्लाह। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कहीं मत जाइएगा। हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब तो करते नहीं यार, आप वीडियो मेरी देख लेते हैं आप सारी, तो चैनल को सब्सक्राइब आप नहीं करते तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी ये के साथ साथ इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर इसको स्टॉप करेंगे, ब्रेक करेंगे थोड़ी सी, जैसे ट्रेन आएंगे उसके ऊपर अंदर सवार होंगे और उसके अंदर का भी आपको माहौल दिखाएंगे थोड़ा सा, अगर इजाज़त मिली किसी ने ना रोका तो। और फिर उसके बाद मस्जिद में भी जाएंगे इंशाल्लाह, तो बाकी बाद में बात होगी, ठीक है। तब तक के लिए हम आपको थोड़ा सा ब्रेक पर जाते हैं। अच्छा दोस्तों, वो आगे सामने फाटक बंद हो गया, इसका मतलब है कि ट्रेन जो है वो आ रही है, ठीक है। और अब मुझे नहीं पता कि फाटक आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो नज़र आ गया, क्योंकि इसका मतलब फाटक बंद होने का मतलब ही यही है कि ट्रेन जो है वो आ रही है। आधे बस के एक 5-4 सेकंड में ट्रेन आती है, ट्रेन की भी थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि अगर उन्होंने हमें इजाज़त दी, वो आ गई ट्रेन आ गई। पहले तो ट्रेन देखे ना, कैमरा में अपने वाले रखा है तो फाटक तो खाक नज़र आना है। ये नहीं जी, ये सबसे पहले ट्रेन चेक करें, ट्रेन के अंदर हम बैठेंगे, और जैसे हम ट्रेन के अंदर बैठेंगे जनाब अली, देखते हैं कि वो हमें इजाज़त देता है कि अंदर वीडियो बनाने की। ये छोटी सी ट्रेन है जनाब अली, ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ट्रेन, वेरी स्मॉल ट्रेन। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है जी। ये ट्रेन है, ये दरवाज़ा खोलेंगे लोग और अंदर दाखिल होंगे, ठीक है जी। समर साहब दाखिल हो रहे हैं और ये दानियल साहब दाखिल हो रहे हैं। अच्छा तो दोस्तों, आज अब हम ट्रेन के अंदर बैठ गए हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि हम तकरीबन 5-7 साल के बाद मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चलें आपको भी साथ सैर करवाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह के मैंने कहा कि अंदर के हिस्से के बनाने की इजाज़त नहीं होती, लोग इतराज़ करते हैं, इसलिए मैं बाहर की आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो बाकी यह है कि साथ जिस तरह मैंने बताया है कि वी आर ट्रैवलिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन द ट्रेन। और ये समर दानियल की भी दिखाते हैं आपको, ये समर साहब यहाँ पे हैं, ये दानियल साहब हैं। दानियल साहब, लुक हियर, एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके, ही सेज एवरीथिंग इज़ फाइन, गुड। ये तो वैसे बड़ा खुश होता है ट्रेन में बैठ के ना। चलें अब थोड़ी सी बाहर की आपको जनाब सैर करवाते हैं एनीवे। और चैनल को सब्सक्राइब आप, मैं बार बार कहता हूँ कि ज़रूर किया करें, बुला ना करें इसको करना, ठीक है। बड़ी मुश्किल से आपके लिए वीडियो हम बना के लेके आते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ वाच करके सिर्फ सब्सक्राइब ना करें तो वो मुनासिब नहीं लगता, ठीक है। तो ठीक है, ये बाहर के हिसाब को ये खेत वगैरह ज़्यादा नज़र आने हैं, ठीक है।
तो बाकी यह कि इंशाल्लाह बाहर की इसी की आपको पहले मैंने सैर करवा दी है, ओके, तो मस्जिद में जाके मज़ीद आपको सैर करवाएंगे। मैं मास्क पहन लूँ, ठीक है, क्योंकि मास्क वगैरह भी ट्रेन के अंदर आप नहीं बैठ सकते, दूसरी जगहों पे मास्क वगैरह जा सकते हैं, लेकिन ट्रेन के अंदर हॉस्पिटल में आपको मास्क की ज़रूरत होती है, ठीक है, ओके, बाकी बात में आपसे मुलाकात होती है जनाब। अच्छा दोस्तों, अब हम ट्रेन से उतर कर बस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से हमें सीढ़ियाँ उतर के बाहर निकलना पड़ेगा बानोफ से, स्टेशन से, ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं जनाब अली, ठीक है, और सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ से हमें बस लेनी पड़ेगी, ठीक है, वाइटा 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 वाइटा। सो कुछ और लोग भी बैठे आ रहे हैं,